सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय में नमस्कार प्रिय भक्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित सुनील शास्त्री बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी भक्त स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी के ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहे। प्रिय भक्तों, आज कुछ ऐसी बातें मैं आपसे शेयर करूंगा। आज कुछ ग्रह से संबंधित, अपने घर से संबंधित कुछ बातें जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जिससे परिवार में, घर में सुख शांति बनी रहे। घर में किस किस चीज को इकट्ठा ना होने दें, कोई ऐसा सामान जो हमारे घर में दरिद्रता लेकर के आ सकता है, ऐसा सामान अपने घर में जमा ना होने दें। घर की सुख शांति के लिए घर में साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। आज कुछ ऐसी ही बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का निशान जरूर दबा लें, जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियो के बारे में तुरंत प्रभाव से पता चल सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का यह अंक शुरू करते हैं। किन कारणों से होता है घर में दरिद्रता का वास? आप में से शायद बहुत ना भी जानते हो, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप रोज देखते हो और देखते हुए भी उन चीजों के बारे में आपको नहीं पता है कि ये चीजें आपके घर के लिए कितनी हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं। तो मैं आज आपको यही बताने का प्रयास करूंगा कि अपने घर को किस प्रकार से साफ रखें, किस प्रकार से घर की साफ सफाई का ध्यान रखते हुए आप अपने घर में शुद्धता और पॉजिटिविटी लेकर के आ सकते हैं। कई बार हमारी छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़ी भयंकर परिणाम ले सकती हैं, तो आपने ऐसी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। अपने घर में आपने सफाई का ध्यान बिल्कुल रखना है। शुरू करते हैं। पहला जो है, अपने घर में कभी भी अनावश्यक रूप से सामान इधर उधर बिखेर कर ना रखें। जिस सामान की जहां पर जगह है, व्यवस्थित रूप से उस सामान को वहां पर रखें, क्योंकि बिखरे हुए सामान में नकारात्मकता का रूप धारण करती है, जिससे आपके परिवार में नेगेटिविटी आ सकती है। दूसरा, कभी भी रसोई घर में टूटे हुए बर्तनों का प्रयोग ना करें, या ऐसे बर्तन जिनमें की दरार आ रही है, ऐसे बर्तन तुरंत प्रभाव से अपने घर से बाहर कर दें, क्योंकि अगर आप टूटे हुए बर्तनों का प्रयोग करते हो तो इससे आपके घर में धन की कमी हो सकती है। तीसरा पॉइंट जो है, अपने घर में कभी भी खिड़कियां कोई ऐसी ना हो जिनका कांच टूटा हुआ हो, या ऐसी खिड़कियां जो टूटी हुई हो उनको आपने तुरंत प्रभाव से, या ऐसे दरवाजे या खिड़कियां जो आवाज करते हो, इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी दरवाजा या खिड़की जो आवाज करता हो खोलते या बंद करते वक्त, उसको आपने ठीक करना है, क्योंकि ऐसे दरवाजे आपके घर में आपसी क्लेश करवा सकते हैं, दरिद्रता इससे आपके घर में आती है। चौथा पॉइंट, कभी भी अपने घर में मिट्टी की बनी हुई खोखली मूर्तियां नहीं रखनी है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, यहां पर मैं बता रहा हूं, मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां जो अपने घर में रखते हैं, जो मूर्तियां खोखली हो उनका प्रयोग करने से आपको बचना चाहिए। कारण, इसका कारण यह है कि परिवार में रहने वाले सदस्यों की आयु पर इसका बहुत बड़ा नेगेटिव रिजल्ट पड़ता है। अंतिम और पांचवा पॉइंट क्या है, अपने घर के मुख्य दरवाजे के सामने कभी भी जूते चप्पल ना निकालें। जहां से आप एंट्री करते हैं वहां पर जूते चप्पल आपने बिल्कुल नहीं निकालने हैं। जूते या चप्पल किसी ऐसी जगह पर निकालने हैं साइड में, जहां पर आने जाने वालों की नजर उनके ऊपर ना पड़े। और आप भी अगर अपने घर में हैं तो बार बार आपकी नजर उन जगह उन जूते चप्पलों पर नहीं पड़नी चाहिए। कारण, अगर बार बार आपकी नजर ऐसे स्थान पर जाती है जहां पर जूते चप्पल रखे हुए हैं, तो इससे आपके परिवार में रोग आदि आ सकते हैं, अनावश्यक रूप से किसी ना किसी बीमारी का उदय हो सकता है। तो आशा करते हैं
बताई गई जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में मिलते हैं एक नए विषय के साथ। लेकिन अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और अपना कीमती सुझाव देना ना भूले। माता रानी आप सभी भक्तों का कल्याण करे। जय माता।